Hello students, welcome to my class Physics in Your Life. Myself Tushar Bharadwaj and we will be continuing this chapter. अब अभी तक हम लोगों ने इस chapter में जो समझा था वो समझा था magnification. Okay? अब magnification में क्या हमने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि magnification is HI upon HO, मतलब size of the image to the size of the object. Right? एक दूसरा formula हम लोगों ने देखा था, वो क्या देखा था? माइनस वी बाई यू, मतलब अगर हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना गिवन हो और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके हमने एक ये फॉर्मूला बनाया था. राइट, ये हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स. अब होता क्या है कि अगर मैं इस मैग्निफिकेशन का ये पहला फॉर्मूला लेकर चलूं जिसमें हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज लेते हैं, तो उसमें मैग्निफिकेशन के तीन टाइप्स होते हैं. ओके, अब उसमें क्या होता है? सबसे पहला होता है मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन, मतलब मैग्निफिकेशन का जो आंसर आएगा अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हो सकता है कि वो वन से बड़ी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो वन के बराबर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो वन से छोटी हो जाए. वन से छोटी का मतलब जीरो से कम नहीं होता, वन से छोटे का मतलब होता है 0.1, 0.75, लाइक दिस. ठीक है, नेगेटिव में नहीं और जीरो से कम नहीं. बात समझ में आ रही? तो वन से छोटा जीरो से छोटा नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि अगर वन से छोटा इसका मतलब जीरो. नो, वन से छोटे का मतलब है डेसिमल फॉर्म आ जाएगा, जीरो पॉइंट समथिंग. क्लियर? ओके, तो अब जनरली आप सभी को ये पता होगा कि कोई भी फ्रैक्शन, मतलब अगर मैं ये लेकर चलता हूँ, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से और मैं ये लेकर चलूँ कि भाई मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है जो ऊपर वाला ऑब्वियसली न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, अब इसमें अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आपका जो आंसर आएगा वो वन से बड़ा आ जाएगा. क्लियर? जैसे 3/2, 3/2 इज 1.5. इन दिस सिनेरियो 3 इज ग्रेटर देन 2. समझ में आ रहा है? 3 इज ग्रेटर देन 2, इट मींस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके, तो जब मैं ऐसे कर देता हूं मेरे पास जो आंसर आएगा वो वन से बड़ा हो गया. इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमारा फर्स्ट वाला केस में आ जाता है. जब भी आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी बनी. ठीक है, जो इमेज बन रही है बेसिकली वो एनलार्ज बन रही है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन वन से बड़ी होगी. जैसे फर्स्ट केस आपको दिख रहा होगा, नीचे मैंने लिखा भी है, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली जब हम इक्वल टू वन करते हैं इसका मतलब है, इक्वल टू वन मतलब दोनों ही चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी तभी तो आंसर आपका वन आएगा. समझ रहे? जब मैं ये सबको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, सो दैट आपको अगर आपको इसमें से कुछ भी लिखना हो तो यू कैन पॉज दिस वीडियो. ओके, और राइट ऑल दीज थिंग्स. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इक्वल टू वन मतलब अगर मैं सेकेंड वाला केस लेकर चलूं तो ये दोनों ही इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर वन आ जाएगा. एग्जांपल जैसे 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर वन आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो साइज इमेज का है वही साइज ऑब्जेक्ट का भी है. तो आप नीचे देख पाएंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज इक्वल टू वन देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड. तो आपको यहाँ बताना होगा कि कौन सा मिरर यूज किया गया है. अब देखो मैग्निफिकेशन देकर उसने मिरर पूछ लिया, तो इक्वल टू वन का मतलब क्या होगा कि इमेज इक्वल साइज की बन रही है. इक्वल साइज की बन रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होगा और इमेज का बन रही होगी एट सी. तो जब इमेज एट सी पर बनती है, एट सी पर होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तो वो सेम साइज की बनती है. ठीक है, जब वो सेम साइज की बनेगी
तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपका बना जाएगा। तो वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है कॉनकेव मिरर। अरे वाह, तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग मिरर कौन सा होगा। क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा, एक मैग्निफिकेशन इक्वल टू दिस, और वो आपसे सारी हिस्ट्री पूछ लेगा उसकी, भाई कौन सा मिरर है, इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज कैसी बन रही होगी, बड़ी बन रही होगी, छोटी बन रही होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, सब कुछ पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन। इसका मतलब देखो, सबसे फर्स्ट वाला केस है उसमें इमेज कैसी बन रही होगी, एनलार्ज्ड। ठीक है, सेकेंड केस में तो सेम साइज की है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस जो है उसमें बन रही है इमेज डिमिनिश्ड। कितनी बन रही है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस स्मॉल इन साइज, छोटी इमेज बन रही है। अब जब इमेज छोटी बनती है तो कौन से मिरर यूज किया जाता है? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से मिरर यूज होता है? दोनों हो सकते हैं सर, है ना, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, क्योंकि दोनों छोटी इमेज बनाते हैं। तो अब इसका आंसर जो है ना कि एग्जैक्टली मिरर होगा कौन सा, वो हमें नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पर एनलार्ज्ड बनेगी, यहाँ पे सेम साइज की बनेगी, और यहाँ पर डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज। आई होप आपको ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट इज माइनस वी बाई। अब इसमें जनरली होता क्या है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, इसमें वी का रोल नहीं है इस माइनस की। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, जो कि फॉर्मूले का माइनस है, वी और माइनस यू, ये हमारा साइन कन्वेंशन का। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा मैं वी को और आगे लिख देता हूं, सो दैट मैं कोई भी फॉर्मूला मतलब साइन पुट कर सकूं। यहां पर है वी विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब वी पॉजिटिव कब होता है, अगर आप साइन कन्वेंशन देखेंगे तो हमारे पास एक्सिस यही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, like this। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव x हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव y, ये हो जाएगा नेगेटिव x, एंड ये हो जाएगा नेगेटिव y। सिंपल, पॉजिटिव साइड का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज है, मतलब बिहाइंड द मिरर, राइट। अब वर्चुअल इमेज जो है वो दोनों मिरर बनाते हैं, ओके, कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है, ओके? और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज छोटी बनाता है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो अगर बड़ी मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है बट एनलार्ज्ड बन रही है तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है बट डिमिनिश्ड बन रही है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो आपको वो नंबर देगा, मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन और लेसर देन वन, वो वहां से पता चलेगा, मतलब बड़ी बन रही है छोटी बन रही है वो वहां से पता चलेगा, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी वो यहां से पता चलेगा। समझ पा रहे हैं? दोनों फॉर्मूले की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एच आई बाई एच ओ, एम इक्वल टू एच आई बाई एच ओ जो है वो आपको बताता है कि जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी या सेम साइज की बनेगी, जो मैंने अभी आपको बताया तीनों केस में। और वो इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी वो ये फॉर्मूला होगा जो आपकी स्क्रीन पर। क्लियर हुआ? ओके, तो अगर वी पॉजिटिव है मतलब जो इमेज बन रही होगी वो वर्चुअल बन रही होगी, ठीक है, तो आप इससे मैग्निफिकेशन के दोनों नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे माइनस के साइन कैंसिल आउट हो चुके हैं। इफ वी इज पॉजिटिव, यू तो नेगेटिव होना ही होना है, देन इमेज विल बी वर्चुअल। क्लियर?
और दोनों मिरर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साइज तो पता ही नहीं, साइज पता चलेगा उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अभी अगर हम इसी फॉर्मूले पे फोकस्ड रहें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों मिरर हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, क्योंकि दोनों मिरर जो हैं वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, अगर v नेगेटिव हो जाए, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रख दें, जैसे मैं अगर रखता हूं तो अगर मैंने इस माइनस की जगह पर मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया तो मेरा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों माइनस तो कैंसिल हो गए, नीचे वाले ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे वाले एक माइनस रह गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी। अब क्वेश्चन इज माइनस वी का मतलब क्या है? माइनस वी का मतलब होता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो माइनस की साइड में फॉर्म हो रही है, मतलब मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने जो इमेज बन रही है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। सो इमेज विल बी रियल, और रियल इमेज जो है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है, इसलिए जो मिरर हो जाएगा वो कॉनकेव बनेगा। क्लियर? तो आपको आई होप ये मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है दोनों फॉर्मूले का वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जो नहीं है वो जो कमेंट्स हैं वहां पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएं जल्दी से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।